साफ साफ कह के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो श्रद्धा कर सेवन दे गुर पार उतारन हार, जो श्रद्धा से जपेगा पार उतारा उसका होगा, नहीं तो कह सकते थे जो सेव दे जो नाम जपेगा पार हो जाएगा, नहीं, जो श्रद्धा कर सेवन दे गुर पार उतारन हार। अगर श्रद्धा नहीं पार उतारा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सरोवर में स्नान हर कोई करता है, कोई विरला ठीक होके बाहर आता है, क्या फर्क है? वो श्रद्धा से स्नान कर रहा है अमृत समझकर, और लोग तर्क करते हैं सरोवर का पानी है अमृत नहीं। अगर वो पानी है अमृत नहीं तो दुनिया में कहीं भी अमृत नहीं। अमृत पांच प्यारे अमृत कैसे बनाते हैं? जो खंडे बाटे का अमृत छकते हैं कैसे बनाते हैं? पांच प्यारे पांच बाणों का पाठ करते हैं, जल की तरफ देखते रहते हैं, दृष्टि जल की तरफ होती है, पांच बाणों का पाठ करते हैं, वो पानी अमृत बन जाता है। जिस दर पर 24 घंटे गुरबानी पड़ी जा रही हो वो पानी अमृत कैसे नहीं बनेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इस भरोसे से इस विश्वास से जब कोई वहां से पानी का दो बूंद भी मुख में डालता है तो उसे ही पता है जो श्रद्धा से डालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बात याद आ गई दास को साथ चलते, बात हो रही है भरोसे की। एक ऐसी आत्मा हरमंदर साहब के पास ही है, मुझसे कोई पूछना मत आके बाद में क्योंकि उसने मुझे मना किया हुआ है। एक ऐसी पवित्र आत्मा हरमंदर साहब के पास में है जो कमरे में बंद है कई सालों से, कई सालों से कमरे में बंद है समाधि में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब दास को उसके बारे में पता चला, बड़े बड़े महापुरुषों से उसके बारे में पता चला, तो मैं उसके घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया एड्रेस ढूंढ के। मेरे साथ एक मित्र, उसकी माता कीर्तन सुनती थी तो उसने अंदर आने दिया, नहीं तो उनका कहना यह था कि सख्ताई से मनाई है उसकी तरफ से कि कोई मेरे मुझसे मिलने मेरे घर में आए ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना, भरोसा किसे कहते हैं। मैं अंदर चला गया, मैंने कहा मैं उसे मिलूंगा नहीं, वो मिलते भी नहीं, मुझे पता है, मैं दूर से दर्शन कर लेता हूँ। कहने लगे बिल्कुल आवाज मत करना नहीं तो हम पे बहुत नाराज होंगे, कहा हुआ है कि कोई भी अगर मिलने आ गया मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खिड़की थी, खिड़की पे से मैंने हल्के से दर्शन किए, शाम का वक्त था, अंधेरा करके अंदर बैठे हुए थे, शाम का वक्त राय साहब जी का पाठ कर रहे हैं वो। मैं खिड़की के पास जाके बैठ गया, जोर जोर से पाठ कर रहे हैं वो। इस वक्त मुझे पूरी तरह से याद नहीं वो कौन सी पंक्तियां थी, अनंत साहब जी की पंक्तियां थी कि कौन सी, वो एक पंक्ति पकड़कर बैठ गए, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जब यहाँ पे आए तो यहीं पे रुक गए, बार 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 आधा पौना घंटा ये पंक्तियां पढ़ते गए जैसे गुरु को पा लिया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पढ़ते तो हम भी हैं, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तपाया, पढ़ के खत्म दो मिनट में। वो पंक्तियों का रस ले रहे हैं और वो कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, 24-25 साल की उम्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं काफी समय तक बैठा रहा, फिर वहां से उठ के माताजी ऊपर ले गए चाय पिलाने के लिए। मैं ऊपर चला गया, मैंने माताजी से पूछा माताजी कुछ तो बताओ कि रंग इसे लगा कहाँ से। कहने लगे 13-14 साल की उम्र में रंग लग गया इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने पूछा कैसे। कहने लगे इसकी फितरत तो ये थी, मेरा जो मित्र साथ में गया वो भी उसका रिश्तेदार था, कहने लगा ये ऐसा लड़का था कि जिसके घर में चला जाए लोग अपना सामान छिपा ले देते क्योंकि चोरी करके ले जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी की घड़ी उठा लेनी, किसी का पेन उठा लेना, घर में कोई कीमती सामान देखा इसने उठा के जेब में डाल के ले जाना, चोर था ये, चोर स्वभाव था इस लड़के का। पता नहीं कहां से किसी गुरुमुखों की संगत हो गई, ये हरमंदर साहब जहां पे दुखमजनी बेरी है ना, दुखमजनी बेरी जहां पे लोग स्नान करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा लोग स्नान करके या अमृत लेके बाहर निकलते तो पानी गिरता रहता है, लोग पोछा मारते रहते हैं वहां पे, लगातार सेवा करते रहते हैं, हमेशा हमेशा कटका मारते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं 24 घंटे ये सेवा चलती है वहां पर, कुछ लोग करते रहते हैं। कहने लगे इसने वो सेवा पकड़ ली और
एक दिन इसने क्या किया, श्रद्धा में आकर, लोग कहते हैं कि अमृत नहीं है सरोवर, मैं कह रहा हूं कि श्रद्धा की बात देखिए। एक दिन उसने श्रद्धा में आके वो पोचा निचोड़ कर अपने मुंह में निचोड़ लिया, पोचा लेकर, जो गंदे पांव होते हैं लोगों के, हम गंदी मिट्टी कहते हैं जिसे। मैं एक बार चुबच्चे में से ऐसे जल ले रहा था हरमंदर साहब में, पीछे से किसी आवाज दी, ओ गुरमुखो ये गंदा पानी है अमृत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या पीने जा रहे हो। मुझे टोका किसी ने पीछे, मैंने मुस्कुरा के पीछे देखा, गुरु का सिख ही था पर टोक रहा है, ये गंदा पानी है कहाँ पीने जा रहे हो इसे। मैंने कहा जिसकी श्रद्धा है वो अमृत है। पता नहीं कौन से महापुरुषों ने आज इसमें पांव धोए हैं, पर जिसकी श्रद्धा नहीं उसके लिए गंदे मिट्टी का पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने वो पोचा अपने मुंह में कुछ बूंदे निचोड़ ली। उस दिन से पता नहीं कौन से महापुरुषों ने, क्या गुरु ने कृपा की, उस दिन से वो समाधि में लीन है। आज तक कमरे में बैठा है, पूरा दिन रात सिमरन करता रहता है, कुछ दिनों में एक बार कुछ खाता है थोड़ा सा, कुछ दिनों में समाधि में जुड़ गया है। क्या था उस उन बूंदों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीते तो हम भी हैं, मैं भी पीता हूँ रोज, पर बात नहीं बन रही, फर्क क्या है, सिदक कर सिजदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भरोसा, उसके मन में क्या भरोसा उत्पन्न हुआ उस दिन, जो उसने पोचा लेके वो बूंदे निचोड़ ली अपने मुंह में, और पता नहीं कौन से रंग में वो रंग गया कि आज तक समाधि में बैठा है। इसलिए तो वाणी कहती है, इसीलिए तो कहती है अब हम सब पढ़ लें, हो सकता है गुरु मेहर करे या श्रद्धा की दात हमें भी दे दे। जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हा, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार उतारन हार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुर पार पार